छ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन तो चलिए जानेंगे उनके बारे में डिटेल में सो यस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड द एशियान मीटिंगल है लाउस पीडीआर की तो दो दिन की विजिट थी एंड इस पर्टिकुलर ईयर में जो उन्होंने कहा पूरी समिट के अंदर की दैट अदी आर मार्किंग अ डेकर ऑफ आर एक्ट ईस्ट पॉलिसी वैसे भी नॉर्मली मैं आपको बाकी सब चीज़ों में बताती हूँ कि इस टाइम पे जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है इन्हीं सब नेशंस में चाहे वो एशियन नेशंस है या ईस्ट पॉलिसी जो है हमारे या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है इंडिया का इनमें इस टाइम पे बहुत ज्यादा अलाइनमेंट है एंड इस द्वारा इस मीटिंग को अटेंड करके और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गए उसके बाद से ये चीजें और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं करेक्ट तो सबसे पहले बात करेंगे कि एशियान क्या है तो ईयर था 1967 सिक्सटी सेवन एंड द डेट वॉज ऑफ द एट फाइव साउथ ईस्ट एशियान लीडर्स वहां से फॉरेन मिनिस्टर्स इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपाइन सिंगापुर और थाईलैंड इन पांचों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे ये साथ में आए कहां पे बैंकॉक के अंदर एंड वहीं पे पर डॉक्यूमेंट साइन करते हैं जैसे डॉक्यूमेंट का नाम है एशियान डिक्लेरेशन डन एंड आप कह सकते हैं कि एशियान जो हमारा पिक्चर में आया था नेक्स्ट उसके बाद पांच और लोगों ने इसको ज्वाइन किया मतलब पांच और कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया दैट इज द देन वी द कंबोरिया म्यांमार एंड वियतनाम एंड दैट इज़ द रीजन नाउ ओनली वी है टोटल कंट्रीज अंडर द एशियान नेशन करेक्ट अभी जो दस नेशंस की ग्रुपिंग है इनका एक अपना एंथम भी है फ्लैग है बायनल समिट्स ये हेल्ड करते हैं करेक्ट रोटेटिंग इनकी चेयरमैनशिप रहती है और इनका बात करें कि फोकस क्या है ऑफकोर्स यूनिटी के ऊपर फोकस रहेगा और जिनका ऑफिशियल मोटो है दैट इज इम्पोर्टेंट वो है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कॉम्यूनिटी सो दिस इज द मोटिव की एक ही विजन होना चाहिए हम दस देश का बिकॉज ऑफकोर्स अगर आप इनका लोकेशन भी देखोगे मैप में धन सो so, एक ही विजन होना चाहिए हमारी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए कॉम्युनिटी yes, और दूसरी बात है एक साथ हमें मिलकर आगे काम करना होगा मेजर पिलर्स की बात करें एशिया नेशन तो, yes, तो, के अंदर तो ये पोलटिकल सिक्योरिटी कॉम्युनिटी इकोनॉमिक कॉम्युनिटी सिमिलरली वी डू हैव दोशो कल्चरल कम्युनिटी तो ये सब मिलकर बी वर्किंग ऑन दैट So, जैसे कि मैंने आपको बताया भारत जब वहां पर मीटिंग के अंदर गए थे तो भारत और लियाज ने छह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर साइन किया है एंड uh, सबसे पहले बात की गई ऑफ़ कोर्स जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है ऑडियो विजुअल के ऊपर काम किया गया एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज तो ये चार सेक्टर्स है लेकिन ये वीडू एफ दैक्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंगस और देखिये जब भी ये मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि जब भी आप इस तरह से अगर आपकी कोई भी हाई डिग्नेटरी इस लेवल पे किसी दूसरे कंट्री ट्रेवल जाएगी तो सिर्फ मीटिंग अटेंड करके तो वापस नहीं या ऑफ कोर्स दे बी साइनिंग मोर एग्रीमेंट्स ताकि दोनों देशों की आपसी चाहे इकोनॉमी के लिए या रिलेशन के लिए और ज्यादा वो एनहांसमेंट हमें देखने को जरूर मिले रन तो यही चीज यहाँ पे हुई तो लाउस के साथ छह हमें क्या देखने को मिले दैट इज अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साथ ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस किया वहाँ पे टेन पॉइंट प्लान ठीक है जी और वो किस चीज़ के लिए इंडिया एशियान की जो पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेंथन अप करने के लिए एंड मोदी जी का कहना है कि जो इंडिया एशियान की ट्रेड है वो अभी तक क्या डबल हो चुकी है एंड नाउ वी आर ऑन द ओवर डॉलर वन थर्टी एंड साथ ही में उन्होंने बोला कि दे विल रिव्यूइंग वॉट द ट्रेड इन द गुड एग्रीमेंट इनके ऊपर भी काम किया जाएगा ताकि फर्दर उस पे जो हमारा इकोनॉमिक पोटेंशियल है दोनों देशों के लिए वो और ज्यादा श्रेण्न अफ हमें देखने को मिले ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव को दे आर सेलिब्रेटिंग एज द एशियन इंडियन ईयर ऑफ टूरिज्म इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इसके अंदर डॉलर फाइव मिलियन फॉर द ज्वाइंट एक्टिविटीज टेंथ एनिवर्सरी मार्क की जा रही है एक्ट ईस्ट पॉलिसी की डन तो बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स जो है वहाँ पे होस्ट किए गए फॉर एग्जांपल यूथ समिट है स्टार्टअप फेस्टिवल्स हैं हैं म्यूजिक फेस्टिवल्स हैं तो इन्हीं के द्वारा कोर्स वी आर सेलिब्रेटिंग द पार्टनरशिप ऑफ दिस साथ ही में एशियान इंडियन विमेन साइंटिस्ट कंक्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया किसके अंदर एशियन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड तो फंडकोर्स दिस फंड किस चीज के लिए ये भारत और एशियान के बीच का फंड है किस चीज के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए और उसी के अंडर जो है विमेन साइंटिस्ट का जो कंक्लेव है उनको हेल्प किया गया या आप कह सकते हैं फंड किया गया स्कॉलरशिप <laughs> को डबल किया गया नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोवाइडिंग न्यू स्कॉलरशिप फॉर एशियन स्टूडेंट्स एट द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया नो डाउट इस पर्टिकुलर टाइम पे भारत बहुत ज्यादा ट्राई है अलग अलग सेक्टर्स पे भी कि किस तरह से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर पढ़ने जरूर है एंड जो एक इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसको भी एक पुश और एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल मिले

प्लांट अ ट्री फॉर मदर्स कैंपेन तो आप जानते हैं एक पेड़ मां के ना है ना तो ये चला हुआ है कैंपेन तो वही चीज लीडर्स से भी कहा गया कि यस इसके अंदर आप पार्टिसिपेट करें एंड इसके लिए जरूर काम किया जाए पीएम सर इंडिया नेशन कंट्रीज आर पीस लविंग नेशंस करेक्ट और जैसे कि हमने बात की वन थर्टी बिलियन डॉलर ऊपर हमारा ट्रेड पहुंच चुका है डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी ऑलरेडी सेवन एशियन कंट्रीज के साथ है और बहुत जल्दी ब्रई के साथ भी हम स्टार्ट करने वाले हैं डन इंडिया ने नए कॉन्सुलेट्स भी ओपन किया है जैसे कि तिमोल सिंगापुर डन और सिंगापुर वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द एशियन रीजन जहाँ पे इंडिया ने स्टैब्लिश किया है अपना फिन टेक कनेक्टिविटी नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स नालंदा यूनिवर्सिटी इसके ऊपर हमने बात कर लिया एशियान स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर ये बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गया साइबर पॉलिसी तो अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो ऐसा कोई भी पर्टिकुलर चीज नहीं थी ऐसा कोई सेक्टर नहीं छोड़ा गया डिफेंस के ऊपर ऑलरेडी काम किया गया एंड यस yes, हर एक सेक्टर में जो है एशियन नेशन के साथ इंडिया ने एक अपना रिलेशन जो है बिल्ड करने की कोशिश की है सो देट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट अभी आपके स्क्र, आ, स्क्रीन पे इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेज बैठ तक ज्वाइन कर सकते हैं साथ ही वेर एंड कोर्सेज फॉर एंड